टीसीएस की पोस्ट में निर्मला सीतारमन है और जो फॉरेन सेक्रेटरी थे पूर्व और जो अब विदेश मंत्री बनाए गए हैं एस जयशंकर। तो जाहिर तौर पे टीसीएस की पोस्ट में दो जो बड़े नाम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वो अमित शाह और राजनाथ सिंह है। और ये माना जा रहा था कि अमित शाह हो सकता है गृह मंत्रालय लें, क्योंकि गृह मंत्रालय थोड़ा राजनीतिक तौर पर भी उसकी बहुत ज्यादा भूमिका होती है, आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उसको संबंध कायम करना होता है उनके साथ में, चाहे वो फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो चाहे राजनीतिक मसले हो, और एक तरीके से जितने राजभवन होते हैं वो भी उनकी परोक्ष रूप से रिपोर्टिंग एक तरीके से गृह मंत्रालय को होती है। तो उस लिहाज से राजनीतिक तौर पे महत्वपूर्ण पद था। जब उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा है तो निश्चित तौर पे सरकार में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो उन्होंने ली है, लेकिन रक्षा मंत्रालय बहुत अहम मंत्रालय है। आपको याद होगा कि किस तरीके से पहले मनोहर पर्रिकर उसमें गए थे, पहले अरुण जेटली को शुरुआत में दिया गया था, फिर मनोहर पर्रिकर को लाया गया था, और वो अहम मंत्रालय है। तमाम अभी राफेल की डील को लेकर और जितने तमाम रक्षा समझौते होने हैं उस लिहाज से वहां पर उस कद का व्यक्ति चाहिए था। तो ये माना जा रहा था कि शायद निर्मला सीतारमन वहां पर कंटिन्यू करें या ना करें इसको लेकर तमाम संशय थे, लेकिन अब जो सूची आई है उसके मुताबिक निर्मला सीतारमन को फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी गई है, क्योंकि अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे वो अब नहीं है, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपने आप को अलग कर लिया है, और सुषमा स्वराज भी स्वास्थ्य कारणों से इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई है। तो उनकी जगह फॉरेन सेक्रेटरी जो पहले रहे थे और बड़ी भूमिका मानी जाती है खासतौर से अमेरिका और यूएसएसआर चाइना इन सब देशों से जो संबंधों में एक नए प्रतिमान भारत ने स्थापित किए थे, जब वो फॉरेन सेक्रेटरी थे उसकी नींव उसी समय रखी गई थी और उनका विशद अनुभव रहा। तो जयशंकर को भी वहां पर लाया गया। और जो प्रश्न आपने पूछा कि किस तरीके से गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या विदेश मंत्रालय, ये चारों जो सीसीएस की पोस्ट होती, इसमें ऐसा नहीं होता है कि नंबर दो कौन होगा, नंबर तीन कौन होगा। और देखिए राजनीतिक तौर पे भाजपा अध्यक्ष के तौर पे अमित शाह निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सबसे ज्यादा प्रभावशाली पहले भी थे, अब गृह मंत्री के तौर पर भी उनकी वो भूमिका यहाँ पर बिल्कुल कायम होने वाली है। लेकिन हायरार्की की जहां तक बात है, प्रोटोकॉल की बात है, तो उसमें राजनाथ सिंह ने दूसरे नंबर पर शपथ ली थी, और रक्षा मंत्री के तौर पे इससे पहले ए के एंटनी रहे हूँ जब यूपीए की सरकार थी, तो वो भी नंबर दो हुआ करते थे, और प्रणब मुखर्जी भी रक्षा मंत्री थे, वो भी नंबर दो रह चुके। तो इसका नंबर दो नंबर तीन से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार में जो ज्यादा प्रभावशाली होता है उसकी बात होती है। और भाजपा अध्यक्ष के तौर पर भी अमित शाह की किस तरीके से साख रही है, अमित शाह की किस तरीके से स्तुति बोलती रही है वो भी हमें पता है। तो जब वो सरकार में आए हैं तो लगभग एक ऐसे मंत्रालय में आए हैं जिसकी राजनीतिक तौर पे भी बहुत ज्यादा अहमियत है। राजीव, मैं इससे आप ये भी समझना चाहूंगा कि इन बदलावों के पीछे आपको क्या कुछ नजर आ रहा है। अगर हम वित्त विभाग की बात करें, वित्त मंत्रालय की बात करें, तो देश की अर्थव्यवस्था आपकी अभी के जो है सभी के समक्ष है, तो निर्मला सीतारमण पर ही क्यों विश्वास जताया? क्योंकि पीयूष गोयल जो है अरुण जेटली की गैर मौजूदगी में वित्त मंत्रालय संभालते रहे, तो उनके बजाय निर्मला सीतारमण की? जी देखिए, निर्मला सीतारमण चूंकि रक्षा मंत्रालय में थी और सीसीएस की पोस्ट पहले से उनके पास थी, और यहाँ पर उनको किसी तरीके से समायोजित करना था। देखिए एक समय में सीसीएस में दो महिला हो रही थी, सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण, अब एकदम से सीसीएस के किसी भी पोस्ट में एक महिला न रहे, नरेंद्र मोदी के इस फॉर्मूले को कि महिलाओं को एक समुचित प्रतिनिधित्व की जो एक भावना थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खंडित होती। तो निश्चित तौर पे अगर रक्षा मंत्रालय से उनको यहाँ पर लाया गया है वित्त मंत्रालय में, तो ये जाहिर है कि इस सोच का भी उन्होंने ध्यान रखा है। और दूसरी बात है कि एक चर्चा ये भी थी कि अमित शाह संभवतः दे सकते हैं वित्त मंत्रालय, लेकिन जब सारी चीजें सोची गई होंगी, क्योंकि देखिए एकदम से टैलेंट क्रंच की बात आई है, और नितिन गडकरी उस पद के और उस कद के व्यक्ति थे जिनको यहाँ पर लाया जा सकता था, लेकिन अगर मोदी सरकार के पास सबसे ज्यादा गिनाने को कुछ था तो बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो किया था नितिन गडकरी ने उसी को वो गिना पा रही थी सरकार। तो रोड एंड हाईवे और जो काम बिल्कुल हाईवे पर जिसको बोलते हैं कि सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा था, उसको इस समय छेड़ने का कोई मतलब नहीं था। और वैसे भी वित्त मंत्रालय के साथ में तमाम मंत्रालय जब जुड़े हुए होते हैं, और जो सीसीएस की तो चार महत्वपूर्ण पोस्ट है, और आपको याद होगा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम चीजों में सीधा दखल रखते हैं, तो जो आर्थिक नीतियां हैं वो लगभग बहुत कुछ आजकल जब ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो एक वैश्विक जिसको बोलते हैं गांव जैसा सब कुछ हो गया है, तो उसमें विदेश मंत्रालय की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। तो एस जयशंकर इस चीज को लेकर बहुत वहां सक्षम है, और बाकी अमित शाह और राजनाथ सिंह दो सीनियर मंत्री उस सीसीएस पोस्ट पे होंगे, तो इन्हीं से कंसिडरेशन को लेते हुए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया होगा। और जो मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण को यहाँ पर रखने का सिर्फ एक ही कारण था कि अगर सीसीएस में जो उन्होंने एक लंबी लकीर खींची थी कि सीसीएस के चार पोस्ट में से दो महिलाओं के पास होती थी, सुषमा स्वराज निर्मला सीतारमण, अब सुषमा जी भी नहीं है, तो जाहिर तौर पर अगर रक्षा मंत्रालय से उनको हटाकर गैर सीसीएस पोस्ट में किया जाता तो शायद
इसका राजनीतिक शायद संदेश नहीं आता जिस तरीके का बहुमत गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने कुछ नियम कायदे हैं, अपनी एक सोच है, मुझे लगता है कि वो उससे समझौता नहीं करना चाहते थे, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। और निर्मला सीतारमण पर किसी भी तरीके का कोई आरोप तो है नहीं, और वैसे भी आर्थिक नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी या जो शीर्ष नेतृत्व है पूरी तरीके से उसमें भागीदार रहा था, और अरुण जेटली एक रोड मैप बनाकर जा चुके हैं, उस पर अमल करना है, और बाकी कुछ सक्षम ब्यूरोक्रेट्स, और आपने देखा होगा कि सरकार टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स को भी जो सक्षम लोग हैं उनको भी लेकर आ रही है, तमाम कंसल्टेंट भी लेकर आ रही है, तो जाहिर तौर पे उस पे कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सोच है उसको मंत्रियों को लागू करना है, उसमें कोई बहुत ज्यादा समस्या आड़े आनी नहीं आना चाहिए। राजकिशोर जी, आपको क्या लगता है कौन कौन से मंत्री हैं जिनका इस बार कद और पद दोनों बढ़ा है, और वो कौन कौन से हैं जिनका कद और पद दोनों घटा है? देखिए, जिस तरीके की जीत स्मृति ईरानी ने ली थी, माना जा रहा था कि उनको बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलेगा, तो लोग कह सकते हैं कि महिला विकास जो उनको मंत्रालय मिला है या बाल विकास मिला है, लोगों को लग सकता है कि उतना महत्वपूर्ण मंत्रालय ना हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर आप देखें तो मेनका गांधी इस मंत्रालय में थी। मेनका गांधी का भी कद भले ही आप समझ सकते हैं कि इस बार उनको नहीं रखा गया है, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है, वो समझा जा सकता है कि इसका बहुत ज्यादा उनकी प्रायोरिटी में ये है। स्किल डेवलपमेंट बहुत बड़ा मंत्रालय, एक नया मंत्रालय बनाया गया था, नहीं माना जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी तमाम ऐसे जो मंत्रालय जो बहुत ही ठंडे किस्म के माने जाते थे, उसका उन्होंने फिनोमिना बिल्कुल बदल दिया है, उसके अपने आयाम उन्होंने बदल दिए हैं, तो इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि उनका कद घटा है, लेकिन कपड़ा मंत्रालय की तुलना में तो उनको ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला है। हाँ, निश्चित तौर पर माना जा रहा था कि हो सकता है कि उनको और ज्यादा जो लाइमलाइट वाला मंत्रालय है वो मिले, पर ये बाल विकास एवं महिला विकास जो मंत्रालय वो भी ठीक है। इसी तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर का जो मंत्रालय है वो उनका कद निश्चित तौर पर बढ़ा है। राधा मोहन सिंह को कृषि मंत्रालय से हटाकर उनको लाया गया, राधा मोहन सिंह को इस बार जगह नहीं मिली है, और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे इस सरकार का भी बहुत ज्यादा फोकस है, चाहे किसानों को लेकर स्कीम हो, और जितनी भी स्कीम्स चल रही है, जितनी भी योजनाएं चल रही, उसमें कृषि मंत्रालय का बहुत ज्यादा योगदान है। और भारतीय जनता पार्टी जो शहरों की पार्टी मानी जाती थी, अब उसका गांवों में भी उसने जड़े न सिर्फ जमा ली है बल्कि उसका विस्तार हो रहा है, उसकी फसल लहलहा रही है, तो वहां पर निश्चित तौर पे नरेंद्र सिंह तोमर को लाना एक बड़ा संकेत है, उनका भी कद निश्चित तौर पर बढ़ाया गया है। राजीव, अगर आप इस सूची को देखें तो राजकिशोर जी, क्या कोई हैरान कर देने वाला नाम आपको नजर आता है इसमें जो बेहद ऊपर आपको नजर आता है? देखिए, वो हैरानी तो कल ही हो चुकी थी जिस समय वहां पर एस जयशंकर बैठे दिखाई पड़े थे। एस जयशंकर को देखने के बाद ये स्पष्ट हो चुका था कि उनको विदेश मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब आज उसी के तरीके से उनको विदेश मंत्रालय दे दिया, क्योंकि उनकी विशेषज्ञता वही है। अगर उनको लाया गया है तो उनके जो पूरे देश भर में, जो पूरी दुनिया भर में जिस तरीके के उनके संबंध है, जो उनकी ग्लोबल समझ है, और जिस तरीके से कूटनीतिक रिश्तों को उन्होंने बतौर फॉरेन सेक्रेटरी परवान चढ़ाया, वो उनका अनुभव और लगातार जिस तरीके से उनका, देखिए जितने बड़े देश रहे हो, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे रशिया रहा हो, चाहे चाइना रहा हो, चाहे मिडिल ईस्ट रहा हो, इन सब जगहों पर एस जयशंकर की पोस्टिंग रही है ना किसी न किसी तौर पर, और उच्च पदों पर भी वो रहे हैं वहां पर, तो इसलिए उनके अनुभव के मद्देनजर उनको वहां लाया गया, पर उनको मंत्री बनाया जाएगा, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच थी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सिर्फ क्षमताओं का और उपयोगिता और उपयुक्तता के साथ ही वो अपने फैसले लेंगे, वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये था। और दूसरी बात कि मेनका गांधी, वरुण गांधी में से किसी को जगह ना मिलना, ये भी कल ही सरप्राइज था, उनमें से किसी को नहीं दिया गया। राधा मोहन सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उत्तर प्रदेश से महेश शर्मा नहीं दिए गए हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात थी। महेश शर्मा की जगह डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा था। हाँ, और बाकी सुषमा स्वराज के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वो आना चाहती है कि नहीं आना चाहती, तो निश्चित तौर पर शायद उनकी सेहत उनको अनुमति नहीं दे रही होगी, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया होगा और वो नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से मंत्रालयों के बंटवारे के लिहाज से तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत चौंकाने वाला काम हुआ है, बस एक्सेप्ट गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को अगर हम छोड़ दें तो। राजकिशोर जी, उत्तराखंड से इस बार एक ही चेहरे को लिया गया है, पिछली बार अजय टम्टा थे, लेकिन इस बार रमेश पोखरियाल निशंक, और उनको भी काफी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एचआरडी मिनिस्ट्री उनके पास है इस बार। जी देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक निश्चित तौर पे उत्तराखंड को इस तरीके की तवज्जो इस बार मिली है। रमेश पोखरियाल निशंक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछली सरकार में उनको कोई जगह नहीं मिली थी, और पिछली सरकार में उत्तराखंड से सिर्फ राज्य मंत्री होते थे, कैबिनेट की पोस्ट नहीं थी, तो निशंक को लाकर, चूंकि निशंक पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, वो लिखते भी रहे हैं, और शायद उनकी अभिरुचि के कारण उनको यहाँ पर लाया गया है, तो
उम्मीद की जाती है, क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो एचआरडी मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री थी जिसमें पहले स्मृति ईरानी आई थी, फिर उसके बाद उसमें लगातार उनको बदलाव करने पड़े। तो ये मुझे लगता है कि पूर्व के अनुभव को देखते हुए इस बार थोड़ा सोचे समझे तरीके से परिपक्व राजनीतिक को वो लेकर आए हैं, और ये एक बड़ा फैसला है मोदी सरकार का। राजकिशोर जी, क्या लगता है आपको कि ये परिणाम, ये रिजल्ट देने वाली कैबिनेट हो सकती है मोदी की? देखिए, निश्चित तौर पे अगर आप चाहे वो पिछले 5 साल का कार्यकाल देखें या जो पूरा चुनाव प्रचार चला, तो यहाँ एक व्यक्ति है जो पूरी पार्टी को खींच रहा है और एक व्यक्ति है जो पूरी पार्टी को संचालित कर रहा है। उसकी सोच है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि पिछली सरकारें साइलोस में चलती रहती थी, यानी अपने अपने कुनबे थे, अपने अपने आइलैंड थे, अपने अपने द्वीप थे, और उनसे बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। उन्होंने बनने के बाद स्पष्ट कर दिया था कि देखिए, प्रधानमंत्री एक है, बाकी सब लोग उसके साथ मिलकर काम करेंगे, सबकी अपनी जिम्मेदारी है, किसी को अलग अलग बिल्कुल साइलोस में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मतलब ये टॉप टू बॉटम की जो सोच है कि गंगोत्री ऊपर ग्लेशियर से निकलेगी और गंगा सागर में जाकर मिलेगी, तो बीच में साफ रखना उनका काम है, और उन्होंने वो सुनिश्चित किया है कि इस तरीके से वो काम करेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि चेहरे देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, चेहरा सिर्फ एक है नरेंद्र मोदी, उसके बाद संगठनकर्ता के तौर पर अगर आप देख सकते थे तो अमित शाह थे, उनको भी वो गृह मंत्रालय में ले आए। निश्चित तौर पर राजनाथ सिंह गृह मंत्री जो थे वो रक्षा मंत्री हो चुके हैं, तो 2014 में ये टिकड़ी थी जिसने मिलकर काम किया था। हाँ, इस बार उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि तमाम जटिल मुद्दों पे जो उनका बौद्धिक चेहरा होते थे अरुण जेटली, वो इस बार सरकार में नहीं है, उनकी सेहत उनको अनुमति नहीं दे रही है कि वो सक्रिय राजनीति में इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सके। तो उनका विकल्प ना होना निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समस्या होगी। लेकिन जिस तरीके से वो एस जयशंकर को लाए और तमाम टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स की वो एक टीम बना रहे हैं, सीधे भर्ती कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सोच है और उन्होंने अपने हिसाब से कुछ लोगों को रखा है जो उस पर अमल करेंगे, और जो अमल करेगा वो सक्सेस रहेगा, वरना प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है कोई भी सख्त से सख्त फैसला लेने में, वो हम पिछले 5 वर्षों में भी देख चुके हैं। और मुझे लगता है कि इस बार जिस तरीके से बहुमत सरकार ने उनके काम को दिया है, जो पिछली बार वो नाम के आधार पर आए थे जैसा वो कहते हैं, इस बार काम के आधार पर आए हैं, तो इस काम में तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है, सभी को वहां पर प्रदर्शन करना पड़ेगा, सिर्फ दर्शन देने से बात नहीं बनने वाली है।